दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना में सभी जनधन खाते धारक की महिलाओं को मिल रहे हैं 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको ये 500 रुपए मिले हैं या नहीं, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका खाता बंद हो गया है तो आप कैसे इसे एक्टिवेट करेंगे, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों नीचे आकर कमेंट में आपको लिख देना है क्या आपके जनधन योजना में 500 रुपए आए हैं या नहीं, या आपका खाता बंद है तो हम आपको बताएंगे कैसे आप चालू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपको भी नहीं मिल रहे हैं जनधन खाते में 500 रुपए, जाने बंद खाते को कैसे करें एक्टिवेट। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जनधन खाते धारकों के खाते में हर महीने 500 रुपए की किस्त जमा कर रही है जून महीने में आने के लिए, और इस महीने में जनधन अकाउंट में 500 रुपए की तीसरी किस्त डाल दी जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन दूसरों की तरह आपके जनधन खाते में 500 रुपए की किस्त नहीं आई है तो आपका इसका मतलब है कि आपका जनधन खाता बंद हो, इसके कोई भी कारण हो सकता है। अगर आपके भी खाते में पैसे नहीं आए हैं तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करें, कहीं ये बंद तो नहीं है। दरअसल बहुत समय खाते का इस्तेमाल ना करने से अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आपके भी सामने ऐसी दिक्कत आ रही है तो आपको बता दें कि खाता फिर से चालू कैसे करवाएं। जी हाँ दोस्तों, खाता चालू कराने का क्या है तरीका, ये है बैंक अकाउंट अकाउंट फिर से चालू करवाने का तरीका। जनधन खाता बंद हो गया है तो उसे किस तरह से एक्टिवेट करवाया जा सकता है, ये जानने के लिए ये पता करें कि आपका खाता बंद क्यों हुआ है। जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसके तहत 6 साल पहले सरकार ने सभी गरीब असहाय लोगों में बैंक में अकाउंट खोलने का आग्रह किया है, जिसके तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की राशि लाभार्थियों के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। पिछले 3 से 4 सालों में कुछ जनधन खातों में कोई भी राशि का आदान प्रदान नहीं हुआ है, जिस कारण बैंक द्वारा उन खातों को निष्क्रिय या बंद कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन्हें फिर चालू करवाने के लिए आपको आवेदन देना होगा। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाता बंद होने के बाद फिर से कैसे चालू करवाएं, यदि आपका भी जनधन खाता बंद हो गया है तो आप बहुत सी आसानी से इसे सक्रिय करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ बातें हैं जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भी क्या है एवं इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार है। जनधन खाते में जुड़ी सबसे पहली बात यह है कि आपका जनधन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जिन लोगों का जनधन अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है, यदि उनका खाता काफ़ी समय से लेन देन नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो गया है तो उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में बैंक को अपने आधार कार्ड की जानकारी देने के कुछ समय बाद ही आपका खाता फिर से सक्रिय हो जाएगा और उन्हें योजना के तहत मिलने वाले राशि भी प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि जिन लोगों के खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उनका खाता तब तक सक्रिय नहीं हो सकता है जब तक वे अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक ना करवा लें। अब ऐसा होने की जानकारी आपको उसी बैंक की शाखा में जाकर मिल जाएगी जिन जनधन अकाउंट को फिर से चालू करवाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, जिनके पास जिन्हें बिना आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा, यह है प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना होगा, वहां आपसे आधार कार्ड के अलावा अन्य जरूरी कागजात देने होंगे। देने के बाद आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, हो सकेगा। साथ ही एक्टिवेट होने के बाद आपको संबद्ध इसके कुछ पैसे भी डालने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सब के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना बंद खाता चालू कर पा सकते हैं जनधन योजना में मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ। तो दोस्तों अगर आपका जनधन योजना में 0 खाता है और उसमें पैसे नहीं आए हैं तो आप बंद खाता को इस तरह से एक्टिवेट करा सकते हैं। जी दोस्तों, इस तरह से आप अपना खाता खोल सकते हैं सिर्फ अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा के। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी,
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।